नमस्कार। गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता सीपी भट्ट ने कहा कि मैंने भोजपुरी में 300 फिल्में की हैं और एक समाजसेवी भी हूं। इसके अलावा मैं संघ से भी जुड़ा हुआ हूं, लेकिन कोविड काल में राजनीति में सक्रियता बढ़ी है और संगठन को मजबूत कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भोजपुरी फिल्मों को बढ़ावा मिला है। पहले लोग ज्यादा बढ़ावा नहीं देते थे, लेकिन अब सरकार भोजपुरी फिल्मों पर सब्सिडी दे रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड का स्थापना करें। यदि कोई कलाकार गंदा गाना या यूट्यूब पर अपलोड करता है तो उसको बंद कर दिया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हम सभी भोजपुरी फिल्मों के जो नेता हैं वे हैं, उन सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो भोजपुरी को और सम्मान दें, जिससे भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता सीपी भट्ट ने कहा, सबसे पहले चैनल के सभी देवतुल्य दर्शकों को फिल्म अभिनेता सीपी भट्ट का प्रणाम। ऐसा नहीं है, नेता और अभिनेता लगभग में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम स्क्रीन पे मैं अभिनय का काम करता हूँ और राजनीति ऐसी बात नहीं, मैं एक समाजसेवी भी हूँ। आज से नहीं, मैं बचपन से भी गांव के समितियों से लेकर के संघ से जुड़ा था। उसके बाद में चाहे विद्यार्थी परिषद हो और चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी रहा, तो हर संगठन से मैं काफ़ी दिन से जुड़ा हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कोरोना काल के बाद ज़्यादा सक्रियता हो गई है गोरखपुर में। और ये मेरा बचपन से एक शौक था कि मैं राजनीति में मेरी सक्रियता बढ़े और मैं जीरो स्तर पर काम करूँ, अपने बूथ स्तर से लेकर के हर समाज के हर वर्ग तक पहुँचूँ। और फिल्म तो मेरा, ये मेरा व्यवसाय है, तो व्यवसाय को हम अलग नहीं कर सकते हैं। मेरा मुख्य हमारी रोजी रोटी है, व्यवसायिक रूप से मैं फिल्म अभिनेता ही हूँ। और आप लोग का आशीर्वाद रहा और हमारे परम पूजनीय मंत्री योगी जी का आशीर्वाद रहा, तो हम चाहेंगे हम जनता का सेवा करने के लिए भी एक अवसर प्राप्त करें। आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या सांसदीय सीट पर आपकी नजर है? अरे बाप रे बाप, हमारे किसी सीट पर नजर नहीं है। अब अभी मैं संगठन में रह के काम करना चाह रहा हूँ। हम चाह रहे हैं कि पार्टी का संगठन और मजबूत हो, संगठन हमें मजबूत करे, हम संगठन को मजबूत करें। और हमारे महंत जी का आशीर्वाद होगा, हमारे परम पूजनीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद होगा, तो हम जो भी उनका आशीर्वाद होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। फिलहाल अभी मैं सिर्फ संगठन पे और समाज सेवा पर ध्यान दे रहा हूँ। ये हमारी जन्मस्थली है, ये हमारी, मैं सजरवा विधानसभा के ग्राम सभा पुंडा कराने वाला हूँ। हमारी शिक्षा, हमारा रंगमंचीय जो कर्म है, गोरखपुर से हुआ, शिक्षा दीक्षा से भी हुआ। और कोई भी आदमी शुरुआत करता है तो पहला प्रयास होता है जहाँ उससे लोग ज़्यादा लोग जानते हो, और हर आदमी अपने जन्मभूमि की तरफ बढ़ता ही है। तो यहाँ से टिकट मिलता है बीजेपी से, तो आप चुनाव भी निसंदेह, अगर हमारे हमारे वरिष्ठ नेताओं का, हमारे लोग का आशीर्वाद रहेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इसमें तो चलती ट्रेन में कुछ चढ़ लिया? देखिए, चलती ट्रेन से मुझे मतलब, मेरा जो रंग है वही भगवा है। और कभी हम भाजपा के आजीवन हैं, हम संघीय खून मेरे अंदर है, हम चुनाव लड़े न लड़े वो अलग की बात है, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगा अंतिम सांस तक मैं भाजपा का ही बनकर रहूंगा। कौन कौन सी अभी तक भोजपुरी पिक्चर आपकी बनी? भोजपुरी में लगभग में 300 से ज़्यादा फिल्में हमारी हो चुकी हैं भोजपुरी भाषा में, और कई डबिंग साउथ में हुई है, हिंदी भाषाओं में कई फिल्मों का निर्माण हो चुका है। जब पहले और अब में कितना परिवर्तन हुआ है भोजपुरी पिक्चर, गोरखपुर और प्रदेश की? हाँ, भोजपुरी फिल्मों में जो पहले था, जो निसंदेह लोग कहीं कहीं दूरथी बातें होती थी, अभी बहुत साफ सुथरी फिल्में बन चुकी हैं। और अपने योगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि भोजपुरी कलाकारों को मौका मिल रहा है, जो उत्तर प्रदेश में सब्सिडी मिल रही है कलाकारों को, फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, इसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और अपने सरकार से बस एक हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि सेंसर बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, और जो एल्बम के गाने हैं उनमें भी बिना सेंसर बोर्ड के कोई गाना एल्बम पर नहीं, यूट्यूब पर नहीं चढ़ना चाहिए। कोई भी गाना अगर द्विअर्थी चढ़ता है तो उस चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए, उस कलाकार के ऊपर कार्रवाई की जाए। बस एक रिक्वेस्ट है, सेंसर बोर्ड की स्थापना हो। बिल्कुल नहीं, अश्लीलता हमारे दिमाग में है। हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं वो टू पीस पहन के, बिकनी पहन के लड़कियां आती, हीरोइन आती है, तो हम कहते हैं वाह कितना अच्छा सीन है,
भोजपुरी में और राजा बोल दिया तो बुरा लग गया। भोजपुरी हमारा इंडस्ट्री का डार्क साइड फुहड़ पला है, बिल्कुल देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी एक संस्कार है, एक एहसास है, एक मिठास है। भोजपुरी के बारे में इतना कहेंगे कि भाषा विदेशी हवे अंग्रेजी सब एकरा के नाही समझेला, और बा संस्कृत में भाव भरल लेकिन विद्वानी लोगन के चिन्हेला। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी लेकिन रस टोपे टोपे ही चुएला, और बाहर भोजपुरी हमारी गगरी गगरी रसवा भभकेला। ये भाषा एक मिठास है, हम तो शुरू से ही है, आप लोग जहाँ भी देखते होंगे चाहे जिस तरह का भी सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, साहित्यिक कार्यक्रम हो, हमारी सक्रियता वहाँ पर सदैव रहती है। और अभी बीजेपी वो टिकट से कोई हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, अभी हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ये मेरा कर्तव्य है, धर्म है, फर्ज है, जो भी सर्वोपरि है। योगी जी के आशीर्वाद के बिना कुछ भी असंभव है। 9 साल हो गया, 8वीं अनुसूची में भोजपुरी नहीं शामिल हो पाई, क्या कुछ है? इसके लिए क्या है, लोग प्रयासरत हैं और ये बहुत दुर्भाग्यशाली है। मैं अपने उन भोजपुरी कलाकारों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, चाहे दिनेश जी हों, मनोज तिवारी जी हों, हमारे गोरखपुर के सांसद रविकिशन जी हों, वो लोग सक्रियता और दिखाएं और भोजपुरी को सम्मान मिले, मान मिले, ताकि हम सीना चौड़ा करके बोल सके कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। 1 लाख मराठी के बीच में एक मराठी रहेगा, दूसरे मराठी से हमेशा अपनी भाषा में बात करेगा। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करना ही चाहिए, और इसकी जो भी लिपि हो कहीं से ढूंढ के लाई जाए, और सबसे पहली बात इसको साफ सुथरा, इसको रिफाइन किया जाए। इसके लिए सेंसर बोर्ड का बनना आवश्यक है, एल्बम में सेंसर बोर्ड का आवश्यक है, तभी जाके भोजपुरी साफ सुथरी होगी और हमारे अनुसूची में शामिल होगी, निस्संदेह शामिल होगी। इसके लिए हर सार्थक प्रयास करेंगे हम। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ दीवानी न्यायालय परिसर का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि दीवानी न्यायालय परिसर के सुरक्षा का जायजा लिया गया है और ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि न्यायालय परिसर में आने वाले हर व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाए और अधिवक्ता गणों का आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जाए। अब न्यायालय परिसर में 1 नंबर व 3 नंबर गेट से ही आम जनता प्रवेश कर पाएगी। उन्होंने कहा कि कमिश्नरी गेट व एडीजी गेट मजार गेट से सिर्फ अधिवक्ता गण ही दीवानी न्यायालय में प्रवेश कर सकेंगे। मजार की तरफ बने 2 गेटों में से 1 गेट को बंद करा दिया जाएगा, खुले गेट से अधिवक्तागढ़ को प्रवेश दिया जाएगा। आई कार्ड दिखाने के बाद इन 3 गेटों से किसी भी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जाएगा। इस अवसर पर COLIO राहुल पंकज, कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, ये एक रूटीन चेकअप था जो न्यायालय सुरक्षा समिति एक बनी हुई है, उनके जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा इंस्पेक्टर कैंट, COLIO सब डॉग स्क्वाड और जो भी हमारी अन्य टीमें थी उनके साथ में मिलकर न्यायालय परिसर की चेकिंग की गई। जितने भी गेट थे वहाँ पर चेक किया गया, उसके अलावा जो कचहरी परिसर था पूरा, नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग, उनको चेक किया गया, जिससे कि कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति वहाँ मौजूद है या नहीं है, तो सभी कुछ फिलहाल सही पाया गया है वहाँ पर। सर, देखा जा रहा है कि आजकल अपराधी अपने आप को सरेंडर करने के लिए वर्दी, वकील की वर्दी या बुर्का पहने, किस तरह कर सर, इस तरह किस तरह आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं? हमारे यहाँ गोरखपुर जो कचहरी है उसमें 1 नंबर और 3 नंबर जो भी सामान्य व्यक्ति हैं वो 1 नंबर और 3 नंबर गेट से ही उनकी एंट्री हो रही है। जो भी अधिवक्तागण है, जो भी पिछली मीटिंग हुई थी सुरक्षा समिति की, उसमें एक एजेंडा पारित किया गया था, जो बार के अध्यक्ष महोदय थे उनके द्वारा ये प्रस्ताव सबके द्वारा रखा गया, उनके द्वारा माना भी गया था कि जो भी अधिवक्तागण हैं वो अपना जो आई कार्ड है वो अपने पास रखेंगे, अगर उनसे मांगा जा रहा है तो वो अपना आई कार्ड दिखा देंगे। ये क्योंकि कोर्ट परिसर में जो अधिवक्तागण हैं वही रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, तो सबसे ये अपील भी की जा रही है कि जो भी अधिवक्तागण हैं वो अपना कार्ड अपने पास रखें और मांगे जाने पर उसे दिखा दें। बात करें तो सुरक्षा के सीसीटीवी कैमरे की निगरानी किस तरह, सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाए? टोटल कोर्ट परिसर में 85 कैमरे लगे हुए हैं। एक हमारा जो सेंट्रल कमांड रूम है वो बनाया गया है, वहाँ पर 2 व्यक्ति परमानेंट रहते हैं जो वाच करते रहते हैं कि उनको अगर कोई संदिग्ध दिखाई पड़े, व्यक्ति बहुत देर से बैठा हुआ है या इधर उधर कुछ भी संदिग्ध दिखाई पड़ेगा तो तुरंत वो उनके पास सेट रहता है। मोबाइल नंबर सभी के जो भी कर्मचारी वहाँ पर नियुक्त है उनके हैं, वो तुरंत उनको सूचित करते हैं तो उसकी चेकिंग की जाती है।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच NGCA की बैठक पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार राय की अध्यक्षता में आयकर संघ भवन में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में महामंत्री विनोद कुमार राय ने बताया कि आयकर विभाग के NGCA से जुड़ जाने से गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच NGCA को मजबूती मिली है और आज इसका विस्तार भी हुआ है। विस्तार में शैलेंद्र गुप्ता, रवि गुप्ता, अश्वनी कुमार, सरेंदु प्रजापति NGCA के सह संयोजक बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था यदि बहाल कराना है तो हमें संगठनीय भेदभाव भुलाकर सड़क पर आकर संघर्ष करें और एक मंच पर आएं, तभी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो पाएगी। अभी तो NPS के रिटायर कर्मचारी सब्जी का ठेला और पंचर की दुकान लगा रहे हैं, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं कि NPS का रिटायर कर्मचारी सड़कों पर भीख मांगते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि हमें पुरानी पेंशन बहाली तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है और हमें वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इसे बहाल करके ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि 27 जून को लखनऊ में होने वाली हुंकार महारैली को सफल बनाने के लिए सभी कर्मचारी प्राण से जुड़ जाना है, तभी हम पुरानी पेंशन बहाल करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम आप सभी साथियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आज से ही हमारा संगठन पुरानी पेंशन बहाली मंच के निर्देश पर सभी आंदोलन और रैली को सफल बनाने के लिए अपनी जान लगा देंगे और पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। इस अवसर पर अशोक पांडे, भारतेंदु यादव, राजेश सिंह, शब्बीर अली, इजहार अली सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार राय ने कहा, आज की बैठक लंच आवर में आयकर विभाग में शैलेंद्र जी के अध्यक्षता में, शैलेश गुप्ता जी के अध्यक्षता में, इनके संचालन में आज रुपेश जी के यहाँ जिले के जो है यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। मैं विनोद राय, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ महामंत्री, वर्किंग कमेटी मेंबर NFIR और NGCA का यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में यहाँ पर संयोजक बनाया गया है यहाँ। और मैं इस न्यू पेंशन को हटाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज मीटिंग यहाँ रखी गई है, आगे की रणनीति तय करने के लिए और रूपरेखा बनाने के लिए आयकर विभाग के लोगों को, जो NPS के लोग हैं, जितने लोग हैं उनको आह्वान करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए कि अगले कार्यक्रम में सब लोग उपस्थित हों, इसके लिए आज मीटिंग रखी गई है। क्या रणनीति बनाई है? रणनीति हम लोगों ने अभी बाइक जुलूस निकाला गया, मशाल जुलूस निकाला गया, DM कार्यालय बस DM कार्यालय के बीच में प्रदर्शन किया गया। संडे के दिन सिटी मजिस्ट्रेट को आकर करके और अपने DM कार्यालय पर हम लोगों का पत्रक लेना पड़ा। भाई राजेंद्र शर्मा जी, वो जो कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष जो कलेक्ट्रेट के हैं, वो उपस्थित थे और शाम को 6:30 पर कर्मचारियों की समस्याओं का सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लिया। मसाज जलूस के साथ हम लोग गए हुए थे और आगे भी रणनीति हम लोग की है। पूरे देश में पूर्वोत्तर गोरखपुर में सबसे बड़ा मीटिंग हम लोग कराएंगे और जो फरवरी से सितंबर तक का कार्यक्रम है हम लोग का अनवरत चलता रहेगा और किसी कीमत पर हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी पेंशन बहाली नहीं करेंगे। हम लोगों का लड़ाई हम लोग को जारी रहेगा। जब तक वो हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है सरकार, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और चैन से लोगों को भी बैठने नहीं देंगे, ये हमारा वादा। ADG जोन अखिल कुमार ऑपरेशन सुदर्शन को लेकर जनपद के व्यापारियों व पार्षदों के साथ NXC भवन के सभागार में बुधवार को बैठक की, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि ऑपरेशन सुदर्शन को नशे के विरुद्ध एक अभियान के रूप में शुरू किया गया है, जिसके संबंध में एक व्यापक गोष्ठी की गई है जिसमें सभी लोग ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए ड्रग्स की तस्करी व आने वाली नई पीढ़ी को इसके दुष्प्रभावों से कैसे बचाया जा सके, इसके लिए सभी ने अपना योगदान देने के लिए शपथ लिया है और उम्मीद है कि हम लोग इसको रोकने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, IG जे रविंद्र गौड़, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, CO कैंट योगेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसमें सक्रिय इस नाते मैं चाहूंगा कि इस गोष्ठी के विषय प्रवर्तन के लिए मैं उनको ही आमंत्रित करूं, तो मैं वरिष्ठ लोगों की अनुमति से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि फील्ड में वो काम कर रहे हैं तो विषय प्रवर्तन अगर वो करेंगे तो पूरी गहराइयों से चीजें हमारे सामने आएगी। हमारे लोकप्रिय सांसद जी यहां उपलब्ध थे और आपको मालूम है कि उन्होंने ड्रग्स के विषय में पार्लियामेंट में
बहुत मजबूती से रखा था, जिसके विषय में वो खुद बताएंगे, आप गूगल भी करेंगे तो इसके बारे में जानकारी मिलेगा। हमारा सौभाग्य है कि सांसद जी जो इस विषय को बड़े अच्छे ढंग से जानते थे और बॉम्बे में और बॉलीवुड के स्तर पर इस विषय को गहराई से जानने वाले और इसके जो परिणाम है उससे वो चिंतित होकर इस विषय को पार्लियामेंट में उठाया, वो यहाँ उपस्थित है। मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने अल्प समय में यह समय दिया और यहाँ वो उपस्थित है। यह एक विषय है जिसमें हम सबको लगना है, अभी तक जो हमारी स्ट्रैटेजी रहती है ड्रग्स में, आपने देखा होगा चाहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है या उत्तर प्रदेश पुलिस है, हम लोग सप्लाई साइड पे फोकस करते हैं कि हमारे सप्लायर कौन कौन ला रहा है, उसको उठाते हैं, बंद करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया कई सालों से चल रहा है और ये इतना स्ट्रांग नेटवर्क है, इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रांग इंसेंटिव्स है कि तमाम प्रयासों के बाद जो सप्लायर है वो लगे रहते हैं, क्योंकि मनी इंसेंटिव्स उसमें बहुत हायर। जो ये था हमारी सप्लाई साइड स्ट्रैटेजी, काफ़ी सोचने के बाद हमें लगा कि हमें डिमांड साइड स्ट्रैटेजी पर जाना चाहिए कि यूजर्स कौन है। सप्लाई साइड तो चली रही और चलती रहेगी, वो हमारी प्राथमिक कार्यों में बना रहेगा, यूजर्स जो है वो डिमांड साइड है कि आखिर इनको यूज कौन कर रहा है, क्या हम उनको जानते हैं, क्या हम उनको पहचानते हैं। यूजर्स क्या, कल ही गीडा में एक छोटी सी लूट की घटना हुई, मैंने अपने एक बंदे को भेजा वहाँ पर और पता चला कि वो मोबाइल या चेन खींचा था, वो बंदा स्मैक आदि था। छोटी मोटी जितनी लूट होती हैं, चोरियाँ होती हैं, इसमें कहीं ना कहीं स्मैक से जो आदित होता है पीड़ित व्यक्ति, मैं उसको कहता हूँ, क्योंकि वो एक बीमारी है स्मैक से लत लगना, कोई स्मैक हो, चरस हो, कोई भी नशा हो, जब वो लत लग जाती है वो पीड़ित तो बीमारी बीमार हो जाता, फिर उसको वो उस लत को पूरी करने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है और उस लत पैसे की चाह उसको फिर ये छोटे मोटे क्राइम कराते। धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज मंजासीर हमारे मेयर साहब, जिनको अभी आपने सुना, बहुत ही सज्जन व्यक्ति, एडीजी साहब अखिल जी के बारे में जितने शब्द कहूँ उतने कम हैं, आईजी हमारे जी रविंदर जी हैं, हमारे आंध्र प्रदेश के, मैं तेलुगु फिल्में करता हूँ तो ये मुझे मत्ताला शिवा रेड्डी के नाम से जाने, जब आंध्र प्रदेश में जाएंगे जो मेरी फैन फॉलोइंग उतनी है जितनी यहाँ पर है। हमारे SSP बहुत ही हैंडसम व्यक्ति और रोज पतले होते जा रहे हैं, रोज रिड्यूस होते जा रहे हैं और हैंडसम होते जा रहे हैं, श्री गौरव गौरव जी, और हमारे एक और हैंडसम से ऑफिसर्स यहाँ जो सामने बैठे हैं, जो SP सिटी हैं, और मैं उनको भी बहुत 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 चर्चा होती है हर जगह, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी फिटनेस पर पूरा पूरे सब लोग बड़े कायल रहते हैं। हमारे प्रिंसिपल PRT के गणेश जी को आपने सुना, बहुत अच्छा बोले, और श्री आशुतोष दुबे जी CMO साहब, उनको मैं स्वागत करता हूँ। श्री आजाद पांडे जी की बात सुन के हमको बहुत अच्छा लगा, पांडे जी इस मोमेंट में मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और देखिए बात अब गौर से सुनिएगा, मैं पार्लियामेंट में जब चुन के यहाँ से गया तो मैंने पार्लियामेंट की, मुझे किसी ने कहा कि आप लाइब्रेरी में जाओ पार्लियामेंट की, मैं लाइब्रेरी में गया, बहुत भव्य लाइब्रेरी है पार्लियामेंट की, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, मुझे कहा, मैं नया था, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, तो मुझे कहा कि थोड़ा पढ़ना होगा अगर बोलना, क्योंकि वहाँ ओवैसी साहब भी रहेंगे, वहाँ शशि थरूर भी अपोजिशन में, सारे बुद्धिजीवी विद्वान बैठे हैं, कैसे डिबेट करोगे, और सारे लोग कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, कुछ मेरे सीनियर भी हैं, और कभी कभी वाद विवाद भी हो जाता है, तो हमको उसके लिए पढ़ाई भी करना जरूरी है। तो मैं पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते मेरी नजर एक किताब पे पड़ी जो ड्रग्स से थी, और मैं, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा, मैं आज आप लोगों को बता दूं, ड्रग्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए रहा कि मेरे बहुत सारे मित्र जिनकी मृत्यु हो गई ड्रग्स, तो मैंने इस ड्रग्स को बहुत करीब से जाना। मेरे सिनेमा इंडस्ट्री के बहुत सारे मित्रों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग एडिक्ट हो गए, कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे दिल पर कितना बड़ा घाव था, आघात था, शून्य था, एक एम्प्टीनेस था, और मैं सोचता था कि लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं। मैंने सिनेमा में किया, मैंने भी ऐसे रोल किए जहां पर सिगरेट पीना होगा या शराब, नकली शराब, हमको एप्पल जूस दिया जाता है,
सिगरेट पीने वाली शॉट्स होते हैं, वो सब हम उनको, हमारे सिनेमा का पार्ट है, हम लोगों का वो हिस्सा है हमारे जॉब का। तो हमने सब किया, ड्रग्स वाली फिल्में भी की होंगी कोई, जहाँ पे ड्रग्स दिखाया जा रहा है कहीं स्मगल होते, तो उस पर ये चर्चा रहती होगी। मैंने शूटिंग के सेट पे भी लोगों को कहीं पे देखा होगा कुछ नशा करते हुए भी, कहीं पार्टीज में भी मैंने देखा। तो मैंने ये, मैं गुंठित था, मैंने उसकी पढ़ाई की, थोड़ा सा पढ़ के मैं पार्लियामेंट में गया। फिर मैंने पूछा किसी अपने सीनियर मित्र से, पार्लियामेंटेरियन से, कि यार कभी ड्रग्स पर यहाँ बात हुई है क्या? बोला नहीं, नेवर, कोई नहीं बात करता। मैं बोला पार्लियामेंट में 70 साल से कभी किसी ने ड्रग्स पे चर्चा नहीं की, जबकि कोकेन ने भारत पे कब्जा कर लिया था 1960 में। एक ड्रग्स है इसका नाम कोकेन, 1960 में वो बीटल्स वगैरह रॉक ग्रुप के साथ वो भारत में उसने एंट्री मार ली और एक फैशन हो गया था, आपने देखा होगा दम मारो दम, ऐसे बहुत सारे गाने उस वक्त, ये भारत में ड्रग्स आ चुका था, केमिकल ड्रग्स। आप गांजा चरस इसको ड्रग्स समझते नहीं, मैं ऐसे ऐसे नाम बोलूंगा आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, आप लोगों को ड्रग्स के नाम भी नहीं पता जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ड्रग्स होता क्या और ड्रग्स करता क्या और ड्रग्स क्यों लाया जाता है भारत में और ड्रग्स कैसे आया भारत और ड्रग्स कितना खोखला कर चुका है इस भारत। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, ये बहुत अच्छा एडीजी अखिल जी ने एक मूवमेंट शुरू किया है ऑपरेशन सुदर्शन, जो ड्रग्स बढ़ रहा है या गोरखपुर या पूर्वांचल के क्षेत्रों में, तो पूज्य महाराज जी चाहते थे इस पे अंकुश लगाए, उनका एक चिंता, उनके लिए चिंता का विषय था कि नेपाल के रास्ते या पाकिस्तान के रास्ते या बांग्लादेश के रास्ते जहाँ से भी ड्रग्स आ रहा है हमारे युवाओं को खोखला करने के लिए कुछ विदेशी ताकतें भी लगी हैं, क्योंकि 65% आबादी है भारत में युवाओं की, तो उस पर कैसे अंकुश लगाएं, कैसे हमारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी दें, कैसे स्कूल वगैरह में, कैसे उसमें एक जिहादी मूवमेंट भी हो सकता है इस ड्रग्स के द्वारा, तो उसको संभालने के लिए आज एक बहुत अच्छी एक बैठक हुई जहां पर हर वर्ग के लोग थे, हमारे पार्षदगण थे, डॉक्टर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, वॉलंटियर्स थे, और वहां पे आज हम लोग ने इसकी चर्चा की। तो आज ये बहुत ही, मुझे भी स्वयं एक बहुत अच्छी फीलिंग आई, क्योंकि मैंने ड्रग्स इश्यू को पार्लियामेंट में उठाया था और ये मुद्दे पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, तो मुझे इस पर बोलने के लिए आज बड़ा अच्छा भी लगा कि मेरे मूवमेंट को इन्होंने एक नया अंजाम दिया हमारे संसदीय क्षेत्र में, गोरखपुर में इसकी शुरुआत हुई, जहां हम अपने बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को इस ड्रग्स नुमा जहर से बचाएं, जो कि चाहता है लोग, विदेशी ताकतें या अंदरूनी कुछ ताकतें, कि हमारे बच्चे इसमें बर्बाद हों, मेरा देश खोखला हो, ऐसी ताकतों को रोकने के लिए ये मुहिम शुरू की है जिसका नाम है ऑपरेशन सुदर्शन। अब इसको शुरू करेंगे, पूज्य महाराज जी को हम एक चिट्ठी लिखेंगे कि एक रिहैब सेंटर हो और ऐसे बच्चे जो नाबालिग हैं, अगर ड्रग्स में पकड़े जाते हैं या पाए जाते हैं या सेलिंग करने में या पीने में, उन लोगों के लिए जेल नहीं है, उनके लिए एक ऐसा रिहैब सेंटर हो जहां उनको मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाए, जहां हमारे बच्चे सुधर जाएं। ये बात हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, इसके लिए एक रिहैब सेंटर और जानकारी, ये मूवमेंट अब बढ़ेगा, एक ये आंदोलन के रूप में रहे। देखिए, आज ऑपरेशन सुदर्शन जो कि जनपद गोरखपुर में नशे के विरुद्ध एक अभियान के रूप में शुरू किया गया है, आज उस संबंध में एक व्यापक गोष्ठी यहाँ सर्किट हाउस के नक्सी भवन में आज यहाँ पर हुई है, जिसमें जनपद के हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, मेयर साहब हैं, एडीजी सर, आईजी सर, इसके साथ साथ हमारे बीआरडी के प्रिंसिपल साहब, सीएमओ साहब और अन्य महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी ने अपने विचार इस संबंध में रखे, इसमें हमारे माननीय पार्षदगण और जनप्रतिनिधि और हमारे पुलिस के सभी इंस्पेक्टर यहाँ पर मौजूद रहे। इस अभियान को कैसे सफल बनाया जा सके, आने वाले दिनों में यहाँ पर ड्रग्स की तस्करी, ड्रग्स के इस्तेमाल और नई पीढ़ी को इसके
दुष्प्रभावों से कैसे बचाया जा सके, इसके लिए सभी ने अपना योगदान देने का संकल्प लिया है। मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारा ये अभियान बहुत सफल होगा और गोरखपुर जो कि आज पूरे प्रदेश और देश को एक दिशा देने की स्थिति में है, इसके माध्यम से भी वो एक नई जो योजना है या नया जो संकल्प है वो भी हमारा सफल होगा। भाजपा के केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की अध्यक्षता में सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सरस्वती विद्या मंदिर पहुँचते उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का बुके देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि गरीब को पक्का मकान मिला है। ये योजना पहले से भी थी लेकिन वो चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन आज भाजपा शासन में हर गरीब को आवास मिल रहा है और शौचालय मिल रहा है, जो कि 2014 के पहले किसी भी सरकार को ध्यान नहीं आया, जिसको अब इज्जत घर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि देश के आजादी के 75 वर्ष बाद भी यदि किसी व्यक्ति का दिन में तबीयत खराब हो जाए तो उसको शाम तक पेट पकड़कर इंतजार करना पड़ता था। हम लोगों ने गोरखपुर में ही देखा कि लोग सड़क के किनारे बैठते थे, जो कि किसी से छुपा नहीं है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा यदि किसी को बीमारी हो जाए तो उस घर का गहना बिकता था और उसके बाद उसका घर बिकता था। लेकिन आज आयुष्मान योजना से अब हर गरीब का मुफ्त इलाज हो रहा है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव हुआ है और दुनिया में भारत की छवि बदली है, जिसका सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इंजीनियर एयर सम्मानित करें, एक दूसरे के सम्मानित करें। अध्यक्ष जी को हम साधुवाद देते हैं कि ये प्रयास बहुत ही सुंदर रहा, जहां रोज नित नए संगठन की बैठक हो रही है त्रिवेणी से लेके हर जगह। वैसे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष MLC विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका स्वागत हुआ। सुरेंद्र जायसवाल जी जो पेशे से इंजीनियर है, रुड़की से 70s के बैच में इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। जब भी इनके साथ मेरा सानिध्य हुआ है तो उनसे मैं कुछ ना कुछ सीखा हूँ। गीडा की कुछ समस्याओं को लेकर टेक्निकल चीज बारीकियां हमको सूक्ष्म रूप से हमेशा ये सिखाते हैं और मैं उस पर चिट्ठी पत्री करता हूँ और मैं गोरखपुर के विकास में मेरा भी गिलहरी के रूप में हमेशा योगदान रहता है। लेकिन मैं पाता सब इन्हीं लोगों से हूँ, चूंकि ये लोग सीनियर हैं यहाँ के एंड आई मस्ट लर्न फ्रॉम देम। तो जब भी इनसे मुलाकात होती हम बताते हैं, हम बताइए इंजीनियर साहब अब नई चीज क्या होगी। तो आज आपको मैं बता दूं, वो चेहरा है हमारे सुरेंद्र जायसवाल जी, अग्रवाल जी, जायसवाल के लिए। क्योंकि अब समय आ गया है फेसबुक को भी आप लोग चलाएं और अग्रेसिव चलाएं, क्योंकि वहां पर पूरा विरोधी पक्ष चुप चुका है। अगर अभी आप लोग नहीं जागेंगे 2024 में आप लोग से उम्मीद है, जैसे अभी उपमंत्री जी हमको कह रहे थे कि 80 में 80 सीट लिया, तो कहीं आप लोग कमजोर नहीं होगा, कोई आप लोगों से कमी नहीं चाहिए। ये वो समय है जहां पर हर विचारधारा के लोग, हर सनातनी विचारधारा के लोग, हर व्यक्ति जो नए भारत की रचना को देख रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जो प्रेम कर रहा है, डबल इंजन की सरकार को जो प्रेम कर रहा है, वो अपनी जान छोड़ दे ये 4-6 महीना। हर व्यक्ति सतर्क रहे, सजग रहे। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को आघात पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए सारे षड्यंत्र रोज नए रचे जा रहे हैं। कल केजरीवाल जी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ लखनऊ में मुलाकात किए। अब सोचिए कैसे दो विपरीत धारा के लोग मिल चुके हैं, तो इस तरह से पूरे देश में जुटे जा रहे हैं। और ये सोचने वाला समय है, ये खाली बैठ के हर मीटिंग नहीं चलत कि मीटिंग किए और सब लोग मिल लिए। अपने शासन काल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो एकांत मानववाद की सोच थी उसको धरातल पर उतारने का काम किया। आज हम कह
रहे हैं, लेकिन वो चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थी। लेकिन आज चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर गरीब के मन में पीड़ा होती है, भले ही वो छप्पर में हो, कपड़ा में हो, लेकिन उसके बच्चों के लिए पक्का मकान होना चाहिए। आज हम कर सकते हैं, पूरे देश के, पूरे उत्तर प्रदेश के हर गरीब को, जरूरतमंद को पक्का मकान मिला। शौचालय देखने में छोटी ही व्यवस्था है, सब भाग देना, लेकिन देश की आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चे दिन में ही अगर पेट खराब हो जाए तो शाम तक पेट पकड़ करके इंतजार करना पड़ता था। और हम लोगों ने इसी गोरखपुर में अपनी आंखों से देखा है कि सायंकाल होते ही हमारी बहनें सड़क के किनारे, बुजुर्ग सड़क संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, वर्ग सम्मेलन है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो गए, 9 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के घर घर जाने का अभियान चला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है, उनको जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। हर गरीब आदमी आम आदमी समझ रहा है, उनके अभिभावक के रूप में आदरणीय मोदी जी ने देश में उन्हें सब कुछ देने का काम किया है। दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि आसमान की बुलंदियों की ओर पहुंची है। हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले भारत की छवि दुनिया में कैसी थी, आज भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा रहा है और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हम दुनिया की आज 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं और आने वाले दिनों में जिस ढंग से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम हो रहा है, हम 3री बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपर्क महाअभियान के अंतर्गत लोकसभा सदर का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज का कार्यक्रम है, जिसको संबोधन के लिए हमारे उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री आदरणीय बृजेश पाठक जी आ रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम लोकसभा सदर का ही है और इस तरह से पूरे लोकसभा स्तर पर प्रधानमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 14 प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश के हर लोकसभा में आयोजित किया गया है और उसी क्रम में आज गोरखपुर सदर लोकसभा का ये कार्यक्रम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय बृजेश पाठक भी आ रहे हैं, जो इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधन करेंगे।